शिक्षा के क्षेत्र में शुचिता और पारदर्शिता बनाने के लिए काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नकल विहीन परीक्षा के लिए ये निर्णय लिया है कि सभी विद्यालयों में पठन पाठन शैक्षिक पंचांग के अनुसार हो, और मैं स्वयं सभी जिलों में, जैसे आज मैं अलीगढ़ की समीक्षा बैठक कर रहा था, हर जिले की समीक्षा बैठक हमारे अधिकारी अभी से करेंगे कि जहां पढ़ाई नहीं हो रही होगी ऐसे विद्यालयों को संदिग्ध विद्यालयों की सूची में दर्ज किया जाएगा, जहां नकल की संभावनाएं होती हैं ऐसे विद्यालयों की सूची, ऐसे जिलों की सूची को हम अपनी संवेदनशील सूची में रखेंगे। हमारे सचिव, हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, ये सारे जिलों का भ्रमण करके विद्यालयों में पठन पाठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, किन अध्यापकों की कमी है, कहाँ पर पढ़ाई ठीक हो रही है, कहाँ शैक्षिक पंचांग के अनुसार नहीं हो रही है, जहाँ पर नहीं हो रही है अगर अध्यापक की कमी है तो अवकाश प्राप्त अध्यापक लगाए जा सकते हैं क्या, ये तमाम बिंदुओं को लेकर, और क्या DIOs के द्वारा जो संस्तुति परीक्षा केंद्रों की जा रही है उन परीक्षा केंद्रों में कहीं किसी प्रकार की गलत सूचना तो नहीं है, इसकी चेकिंग हमारी वो समिति करेगी। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 921 करोड़ रुपया जो महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के अध्यापक हैं उनको सातवें वेतन की संतुति के आदेश, अभी हम लोगों ने 921 करोड़ का बजट पास किया है। जितने अशासकीय महाविद्यालय हैं, डिग्री कॉलेज हैं, उनके 904 अध्यापकों का नियमितीकरण हमने कर दिया है, और यही नहीं, हमने जहां माध्यमिक शिक्षा में 205 नए विद्यालय बनाए हैं, वहीं हम डिग्री कॉलेज 46 नए डिग्री कॉलेज खोलने जा रहे हैं और 45 माध्यमिक विद्यालय और खोलेंगे। अभी तक हमने 166 दीनदयाल उपाध्याय मॉडल स्कूल खोले हैं, और बाकी हमने अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में भी तमाम विद्यालय खोले हैं। जल्दी ही हम नए डिग्री कॉलेजेस के माध्यम से और माध्यमिक कॉलेज के माध्यम से जो शिक्षा की आवश्यकताएं हैं उनकी हम पूर्ति करने जा रहे हैं। जितने रिक्त पद माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत हैं तो माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग उनकी भर्ती जल्दी से जल्दी उसकी पूरी कर लेगा। डिग्री कॉलेजेस में भी और विश्वविद्यालय में भी सभी रिक्त पदों को विज्ञापित करके अध्यापक की स्थायी नियुक्ति के आदेश दे दिए गए हैं, यानी रिक्त पदों पर अध्यापकों की स्थायी अध्यापकों की भर्ती, और उनके साथ साथ यदि किसी कारण से अध्यापक नहीं आ पा रहे हैं तो महीने, दो महीने, तीन महीने, या जब तक स्थायी प्रवक्ता नहीं आता है तब तक जो रिटायर्ड टीचर्स हैं उनको रखने की पूर्व में व्यवस्था जारी रहेगी। ये सारी चीजें हमने एक सुचारू व्यवस्था के अंतर्गत रखा है। 2.5 महीने 2 महीने तक जो परीक्षाएं चलती थी हाई स्कूल और इंटर की, 7 फरवरी से प्रारंभ होगी, और मात्र 16 कार्य दिवसों में, जिसमें इंटर की 16 कार्य दिवस और हाई स्कूल की 15 कार्य दिवस में ये परीक्षाएं संपादित होंगी। परीक्षा में कड़ी नजर हमारा खुफिया तंत्र भी रखेगा, और हमारे अधिकारीगण जिला प्रशासन की सहायता से नकल विहीन परीक्षा कराने का पूरा प्रयत्न करेंगे। अभी जिला स्तर पर भी उसकी जांच करा रही है, और जो कड़े से कड़ी कार्रवाई दोषी तत्वों के खिलाफ हो सकती है सरकार करेगी। राम जी जब चाहेंगे। जिस तरीके से प्राइमरी स्कूल एक ही कमरे में अंधेरा रहता है, ये आप बहुत पहले की बातें बता रहे हैं, आज भी है। अब इस चीज पर ये बेसिक शिक्षा का मसला है। मेरे पास माध्यमिक और उच्च शिक्षा है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि बेसिक शिक्षा में भी इतने बड़े सुधार किए गए हैं कि बच्चों को नई ड्रेस, जूता, मोजा, बस्ता, किताब, ये सरकार ने, और स्वेटर जाड़े में, ये पहली बार कोई सरकार है जो उपलब्ध करा रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक करने का हमने मुहिम चलाया है।